खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, और मेरी मॉर्निंग काफ़ी ज़्यादा लेट हुई है, लेकिन जो है वो आजकल रूटीन ही इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है कि जल्दी जो है वो उठा ही नहीं जा रहा है। तो मेरी तो यही कोशिश है कि टाइम से उठूँ, और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो टाइम से उठने की कोशिश करूँगा ताकि सारी चीज़ों को टाइम से मैनेज किया जाए। तो अभी फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, कोई शावर वगैरह लेते हैं, फ्रेश फ्रेश होते हैं, फिर देखते हैं। तो मैं जो है वो फ्रेश वगैरह हो गया हूँ, शावर वगैरह ले लिया है, और अभी मैं ऑफिस के लिए जाने लगा हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मलिक अहमद व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दें, और इंतज़ार मत करें। प्रिंटिंग प्रेस पर जाने के लिए अनारकली बाज़ार के बीच में से गुजर के जाना पड़ता है, और आप ये देख सकते हैं कि कितनी बुलंद और बाला इमारतें, जिसको वॉल सिटी भी कहा जाता है, कितनी खूबसूरत नज़र आ रही हैं। तो मैं इस टाइम जो है वो अपने प्रिंटिंग प्रेस पे आ गया हूँ, और ये देख सकते हैं कि जो है वो डिज़ाइनिंग हो रही है। हमारे प्रिंटिंग प्रेस के बिल्कुल बैक साइड पे कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार है। तुर्किस्तान के रिहायशी कुतुबुद्दीन ऐबक को पैदा होते साथ ही बतौर ग़ुलाम फरोख्त कर दिया गया था। इनकी भी एक बड़ी लंबी स्टोरी है, वो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जो है वो मैं आपको डॉक्यूमेंट्री बताऊंगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या स्टोरी है, और वो कैसे लाहौर में आए, और किस तरीके के साथ उनकी तदफीन जो है यहाँ पे ऐबक रोड में की गई। और आप ये देख सकते हैं इनका मज़ार कितना खूबसूरत है अंदर से, और मज़ार का अहाता भी उतना ही खूबसूरत है। दरख्त के साथ कशादा लॉन और पूरा हवादार इलाका है ये। अनारकली बाज़ार भी लाहौर के अंदरून शहर यानी वॉल सिटी में ही आता है। कितनी ऊंची इमारतें, तंग गलियां, तंग रस्ते, इनमें से गुजरना भी एक अलग ही खूबसूरती है। बाज़ार से बाहर निकलते हुए रिवायती अंदाज में पठूरे वाले भी बैठे होते हैं। ये ऑफिस में बैठा हुआ था तो मेरे पास जो है वो मेरे फ्रेंड्स वगैरह आए हुए हैं, मेरी एज से तो बड़े हैं लेकिन माशाल्लाह मेरे लिए बड़े ऑनरेबल हैं, काबिल एहतराम हैं, और मैं बड़ी इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और ये इनकी मोहब्बत है कि ये मुझे आके ऑफिस में आके टाइम देते हैं। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।